बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम जी एवं तमाम महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी होते हुए अभी यहाँ पर हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोगों ने एक समाज का काम किया है, समाज को जगाने की एक और यात्रा करके आज हम लोग यहाँ हैं। उसी से समाज के जागने की प्रक्रिया हमें उस बात से नापनी चाहिए कि कार्यक्रम शुरू होता है उससे नहीं, जब कार्यक्रम अंत समय में आता है, जब कितने लोग आपके साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वही लोग जागरूक हैं, उससे हमें ये माप लेना चाहिए कि इतने हमारे कार्यकर्ता हैं जो समाज के प्रति समर्पित हैं। अधिकतर लोग 10% मान सकते हैं कि आवश्यक कार्यों की वजह से जा सकते हैं। तो साथियों, आज जो विषय पर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, संविधान बड़ी सोचनीय और एक विचारणीय प्रश्न है कि वो संविधान जिसने हम लोगों को, पूरे समाज को, इस देश के वंचितों को, इस देश के माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यकों को, इस देश के पिछड़े लोगों को वो अधिकार दिया, हजारों सालों की दासता से मुक्ति दिलाकर जिसने हमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, वो संविधान जिसने हमें अच्छे मकान में रहने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, मंदिरों में घुसने का अधिकार दिया, जो इसकी प्रीएम्बल खुद से अपने आप में दिखाती है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय देने के लिए हम समर्पित हैं, विचार अभिव्यक्ति और एक्सप्रेशन थॉट व्यक्ति का उसके प्रति हम समर्पित होकर के इस संविधान को हम 26 जनवरी 1949 को जब बाबा साहब ने इस संविधान को समर्पित किया था, 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद जिन अधिकारों को सम्मानित करके उन लोगों उन्होंने जो अपने विचार जो रखे थे उसमें सभी के ताकत बुद्ध के, कबीर साहब के, संत रविदास के, ज्योतिबा राव फुले के, सब लोगों के विचारों को उन्होंने, साहू जी महाराज के विचारों को अंकित करके उन्होंने एक ऐसा इंतजाम कर दिया था कि और ये कि अब इन लोगों को जो हम अधिकार दे के जा रहे हैं उस अधिकार से इनकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। और सभी बाबा साहब कह के गए थे कि अपने घर की दीवारों पर लिख लो कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। लेकिन सबसे आज सोचनीय विषय हो गई कि जो संविधान हमारी रक्षा के लिए जो अधिकार बाबा साहब दे के गए थे, आज उसी की रक्षा करने के लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, उसी संविधान की बचाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं कि हमें संविधान ये बचाया जाए, संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर संविधान नहीं रहा तो ना तो यहाँ का अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेगा, ना हम सुरक्षित रहेंगे, ना यहाँ के पिछड़े लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग उसी दास्ता में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई है। जिस विचारधारा जो हमें सदियों पहले, जो संविधान के लागू होने से पहले जो स्थिति हमारी थी, जो वो चाहते थे, अब उन्होंने दोबारा उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और वो हम लोगों को वहीं ले जाना चाहते हैं। और क्योंकि जो कदम जिस उनसे उन्हें विफलता मिली, हम तो कम सीखते हैं, वो हमसे ज्यादा सीखते हैं। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम, विशेषकर महिलाओं को क्रांतिकारी जय भीम। मैं अभिषेक रंजन गौतम, निवासी गौतम गली कौंडी। सबसे पहले तो एक सवाल, हमारे किसी प्रिय को चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़ के सहारा देते हैं, चलाते हैं। इसी प्रकार से बुरा लगेगा पर हमारे समाज को चोट लगी है और ठोकर लगी है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब समाज को हाथ दें, बढ़ाएं, उठाएं, आगे चलें। दूसरी बात, मैं खुद एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ, जो भी सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको यही कि ये नौकरी हमारी खुद की नहीं है, ये समाज की नौकरी है, इसको समाज की नौकरी, पैसे से, समय देके, जैसे भी है, अपने समाज को कुछ ना कुछ उसके बदले दें। जरूरी नहीं है कि आप ये बता दिए उसको शिक्षा दें समाज को, इसको डोर टू डोर कैंपेन तक अपने मैसेज को पहुंचाएं। धन्यवाद, जय भीम। बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रेमपाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचारों से लाभान्वित करें हमें। सबसे पहले निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे सभी बामसेक के निवासी संघ के सभी कार्यकर्ता, मैं ज़्यादा ना बोलकर मैं कुछ 2-4 बातों पे मैं रोशनी डालूँगा कि बामसेक ने जो BS4 संविधान के ऊपर जो कार्यक्रम बनाया और पूरे देश के अंदर ऐसे ही कार्यक्रम आज
चल रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं। और ये क्यों करना पड़ा साथियों, क्या जरूरत है इस कार्यक्रम की, क्यों हमारे बहन बेटियां भाई लोग जो भी यहाँ आए इस धूप में क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। साथियों जब हमने ये देखा कि संविधान के ऊपर एक कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है, पहले ही संविधान 72 सालों में पूरा लागू नहीं किया, परंतु अभी कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही संविधान के ऊपर जो हमले किए गए हैं शासक जाति द्वारा, उसको देखते हुए बामसे की सीसी के लोगों ने ये समझा कि अब हमें वो दिन आ गया है जो हमें संविधान की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान से हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है वो सम्मिलित है संविधान में, जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के संत हुए साहू जी महाराज, फूले साहब, बाबा साहब, जो अपने जीवन में जो आंदोलन किए उनका निचोड़ है एक तरह से, और भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए है। साथियों आज सारे देश में 10 तारीख को संविधान का प्रभावशाली कार्यान्वयन हो इसके लिए संविधान चेतना रैली का आयोजन किया गया है। उसी के तहत आपके क्षेत्र में भी आप लोगों ने ये रैली की है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो चर्चा में ये चीज़ आई कि जितनी संख्या में लोग हमारे साथ शामिल होने चाहिए उतने शामिल नहीं हुए, लेकिन हम लोग रास्ते पे उनको शामिल करने के लिए उतरे उसका एक संदेश ज़रूर उनके पास गया। परिवर्तन जो दुनिया में होते हैं वो संख्या से नहीं होते, विचारों से होते हैं। जब विचार प्रभावशाली सिद्ध होता है तो संख्या अपने आप पल भर में खड़ी हो जाती है, और जो खड़े हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता वो कब खड़े हो गए। तो इसलिए एक फिलोसोफर ने कहा है कि इट इज आइडिया दैट मूव द सोसाइटी एंड नॉट द मेन, विचार समाज को गतिशील करते हैं व्यक्ति नहीं, व्यक्ति उसमें एक कारक मात्र है, एक फैक्टर है, वो उसको लेके जाता है, लेकिन लोगों के अंदर जो प्रेरणा निर्माण होती है वो थोड़ा इधर इधर आप हो जाइए, उधर धूप लग रही है आखिरी में ना सुरपाल जी आप इधर आप, क्योंकि मैं अब 10-15 मिनट लूँगा आपके, इधर साथियों इसका महत्व मैं आज आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि सन 2000 से और 2002 से हम बामसेफ के माध्यम से लोकतंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे कार्य प्रणाली में लोकतंत्र
होना चाहिए। दुश्मन हमारे साथ क्या कर रहा है वो बात की बात है। पहले अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं, अपने महापुरुषों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो जब हमने यह अभियान चलाया, हमारे ही समाज के कुछ लोग जो हमारे ही आंदोलन में शामिल थे, उन लोगों की ये धारणा थी कि समाज में लोकतंत्र है नहीं, तो इसलिए समाज को संगठित करने के लिए अगर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे तो हम विफल हो जाएंगे, क्योंकि जो स्थापित नहीं है वो करने की चेष्टा करेंगे उसको साथ सहयोग मिलेगा नहीं, और जो स्थापित है, जो परंपरा स्थापित है वो करेंगे तो तुरंत जो है लोग लामबंद हो जाएंगे, हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे और बिल्कुल उत्साहित होकर हमारे साथ सहयोग देंगे, और ऐसा दिखता भी है। ये उनकी धारणा थी, और उनकी ये धारणा बढ़ाने के लिए उन्होंने भौतिक बेईमानी भी करी कि बाबा साहब का नाम लेके भी उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहब संगठन चलाते समय, अपना संगठन चलाते समय अकेले ही चला रहे थे, ऐसे भी तर्क किए। अब सामान्य आदमी को इसका प्रशिक्षण नहीं है कि कोई चीज अगर मुझे बताई जा रही है तो उसको मैं कैसे परखूं, उसका सबूत कहां से पाऊं, और वो सबूत भी सही है या गलत है ये मैं कैसे करूं, ये सामान्य आदमी की समझ में नहीं आता। और इसलिए जब ऐसे व्यक्तिवादी और हीरो वर्शिप का प्रचार प्रसार हमारे अपने लोगों ने किया बाबा साहब के नाम पर, तो वो लोगों को सही लगा कि हाँ जी एक चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, मतलब एक पार्टी में एक ही नेता होना चाहिए। देखिए कंसेप्ट कैसी है। तो उन्होंने अपने वो विचार लेकर के लोगों को गुमराह किया, लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े और लोगों के सामने रखे। अब हमको पता है कि संतों ने, महामानवों ने ये बात कही है कि सत्य सत्य होता है, सत्य के साथ रहना चाहिए, वो चाहे कटु है, चाहे आज की तारीख में हमारे पक्ष में ना भी हो, सत्य के साथ रहना चाहिए, क्या आखिरकार सत्य ही बलवान होता है और सत्य ही स्थापित होता है और सत्य ही टिकता है। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।